दोस्तों वेलकम टू तामिनी घाट। ये देख सकते हैं मेरे पीछे है तामिनी घाट का ये व्यू पॉइंट का नज़ारा। गाइस ये नज़ारा आप देख सकते हो, कैसे ब्यूटीफुल सा नज़ारा है। अरे नया सफर में हमारा जो सफर है 60 किलोमीटर का डिस्टेंस का एक है तामिनी घाट। तो हम लोग घर से निकल रहे हैं अभी दिन के 11 बजे और आज सैटरडे है तो तामिनी घाट के लिए निकल रहे हैं। अनप्लान ट्रिप है तो हमारा लंच होने के बाद हम लोग ये निकल गए यहाँ पे। घर से निकलने के टाइम पे वेदर थोड़ा अच्छा था, अभी देख सकते हैं कि पहुँचने के टाइम पे अभी रास्ते में बारिश चालू हो गया और ये रास्ता का नज़ारा देखते देखते जाइए पूरा ग्रीनरी है रोड पे। पुणे में मॉनसून का कुछ भरोसा नहीं है, आप कहीं पे भी निकलने के टाइम पे कुछ भी हो सकता है। और ये जो तामिनी घाट का रोड है वो कभी भी कुछ भी हो सकता है, कभी भी वेदर चेंज हो सकता है 5 मिनट में। तो आगे देखते रहिए तो आपको पता चल जाएगा कैसा है ये रोड। आप अगर गूगल मैप फॉलो कर रहे हो तो यहाँ पे वो बहुत ही क्रिटिकल है क्योंकि बारिश की वजह से आपका डिले हो सकता है। आप अगर वीकेंड में निकल रहे हो तो ज़्यादा क्राउड का पॉसिबिलिटी बहुत रहता है। तो आप अगर गूगल मैप 1 घंटा दिख रहे हो तो वहाँ पे पहुँचते पहुँचते आपको 3 घंटा लग जाएगा। और बीच में यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे नाश्ते के लिए कुछ रुके हुए हैं तो यहाँ पे नाश्ते के लिए कुछ होटल्स मिल जाएंगे। मुलसी क्रॉस करने के टाइम पे आपको बहुत सारा व्यू पॉइंट्स मिल जाएंगे। तो इनिशियली आपको पहाड़ वेदर के हिसाब से आपको बारिश वहाँ पे कुछ छोटा छोटा वाटरफॉल ऐसे बहुत सारी चीज़ें मिल जाएंगे तो आपको बहुत ही मज़ा आएगा। आप अगर बाइक से आ रहे हो तो आप वेदर को फील कर सकते हो और कहीं पर भी बाइक होके आप फोटो वोटो निकाल सकते हो। गाइस अभी हम लोग मुलसी डैम तक पहुंच चुके हैं, आज हम लोग घूमने निकले थे ये सैटरडे पे। तो देख सकते हैं शानदार व्यू है यहाँ पे और हमारे साथ पूरा टीम है। दोस्तों ये ब्यूटीफुल सा व्यूज़ देख सकते हैं, यहाँ पे पूरा नदी भरा हुआ है अभी बारिश के वजह से। ये तामिनी घाट जाने से पहले ये मुलसी लेक है, तो ये देख सकते हैं मुलसी लेक। हमारा कार वहाँ पर आगे पार्क है। ये हम लोग पहले आते थे, मैं ऑलमोस्ट 4 या 5 साल से आ रहा था। अभी के टाइम पे ये थोड़ा अलग ही है व्यू। हम लोग कार से आ रहे हैं क्योंकि पहले बाइक से ही आते थे। हमारे साथ आज हैं रिचा। कैसे लग रहे रिचा यहाँ पे? अच्छा, गुड। व्हाट एल्स डू यू वांट मी टू से? तो देख सकते हैं यहाँ पे ब्यूटीफुल जगह में ये ब्यूटीफुल लड़कियाँ फोटो खींच रही हैं। यहाँ पे देख सकते हैं पूरा एकदम से रिलैक्स जगह, यहाँ पे आप वीकेंड में आके टाइम स्पेंड कर सकते हो। ब्यूटीफुल सा तामिनी घाट का नज़ारा है और यहाँ से मुलसी घाट से। दोस्तों यहाँ पे अभी हम लोग मुलसी घाट में कुछ टाइम स्पेंड कर चुके हैं तो आगे चलते हैं तामिनी घाट की तरफ। तो ये नज़ारा देख के निकल रहे हैं अभी। दोस्तों अभी हमारा ग्रुप फोटो निकलेगा और ये देख सकते हैं सभी रेडी होके रखे हैं गैंग्स ऑफ वासेपुर के ग्रुप। तो दोस्तों ये व्यूज़ का नज़ारा हम लोग देख के अभी चल रहे हैं और ये रहा मेरे दोस्त का गाड़ी है। ये रास्ता और ये ग्रीनरी देख सकते हो, आपको एकदम रिलैक्स लगेगा। आप बेटर होगा कि जो मोस्टली कॉलेज में या फिर इनिशियली जॉब फेज पे रहते हैं वो लोग बाइक से ही आते हैं, वो ही फेज अच्छा रहता है। आप अगर पूरा फैमिली के साथ आते हो तो बेटर है कि आप कार लेके आओ। वीकेंड में अगर आप एक्सप्लोर करना चाहते हो और लॉन्ग ड्राइव पे जाना चाहते हो ये आपके लिए सबसे बेस्ट रहेगा। चलिए आपको आगे दिखाता हूँ ये व्यूज़, ये नज़ारा, ये वेदर के साथ। आप यहाँ पर जब तक नहीं आते तो आपको उसका फील नहीं आएगा। अलग अलग मौसम में यहाँ का नज़ारा अलग अलग टाइप का ही दिखता है। आप अगर
समर में आ रहे हो तो ये ग्रीनरी आपको नहीं दिखने के लिए मिलेगा, क्योंकि हम लोग मल्टीपल टाइम आते रहते हैं तो हमको पता है यहाँ का रोड कैसा है। अभी अच्छा खासा बन गया है, क्योंकि पहले रोड इतना अच्छा नहीं था, अभी कंस्ट्रक्शन ठीक है। और ये देखिए अभी वेदर चेंज हो रहा है, कैसे कोहरा सा छा रहा है, ऊपर कोहरा, बादल घने, पूरा ग्रीनरी, ये छोटा छोटा वाटरफॉल आप देख सकते हो रास्ते में जाने के टाइम पर, उसका एक अलग ही वाइब है, तो आपको फील आएगा कि कैसा है। आप छोटा छोटा वाटरफॉल देख के नियर बाई भी जा सकते हो, ये रास्ते के बीच में भी आपको छोटा छोटा वाटरफॉल मिल जाएगा। यहाँ पे अच्छा होगा कि आप बाइक या कार आप स्लो चलाएं तो आपके लिए इजी है और दूसरे लोगों के लिए भी इजी है। कभी कभी यहाँ पे एक्सीडेंट भी होता रहता है, तो देख सकते हैं यहाँ पे एम्बुलेंस आ रहा है। गाइस अभी हम लोग तामिनी घाट के व्यू पॉइंट में आ चुके हैं, ये देख सकते हैं ये बारिश में सब रास्ता दोस्तों देख सकते हैं, नीचे वाटरफॉल है, ऊपर ग्रीनरी और ये व्यू देख सकते हैं। दोस्तों वेलकम टू तामिनी घाट, ये देख सकते हैं मेरे पीछे है तामिनी घाट का ये व्यू पॉइंट का नज़ारा, और ये सडनली वेदर चेंज हो जाता है, देख सकते हैं आगे दोस्तों, ये देखो कैसे कोहरा छाया है, बारिश धीरे धीरे हो रहा है बस। दोस्तों देख सकते हैं कुछ सेकंड में यहाँ पे वेदर चेंज होता रहता है, ये बात है यहाँ पे अभी थोड़ा थोड़ा क्लियर हो रहा है, उसके बाद फिर से ब्लॉगर देख सकते हो ये है सुरभि, इनका चैनल है सुरभि द सिंपल लाइफ। आपको अगर ऑडियो ब्लॉग सुनना है सुरभि से तो आप उनके चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। अभी चलिए गर्मा गर्म पकौड़े और चाय आ गया है तो हम लोग ले लेते हैं, ये वेदर में चाय और पकौड़े खाने का मजा ही अलग है। तो आप देख सकते हैं बहुत सारे लोग भी यहाँ पे खा रहे हैं, अच्छा है। और ये वेदर देखिए बारिश के साथ, ये वेदर में भी लोग देख सकते हैं यहाँ पे भींगते भींगते आ रहे हैं, देखिए पीछे कितना सारा बाइक्स और कार चल रहे हैं आगे, तो लोग यहाँ पे रुक के थोड़े टाइम ये व्यू पॉइंट का नज़ारा देख के जाते हैं, और लोग यहाँ का जो वेदर है वो फील करना चाहते हैं तो मोस्टली यहाँ पे आके थोड़े टाइम तक वेट करते हैं। दोस्तों ये तामिनी घाट के जो सामने दिख रहा है वो खाई है, और आगे सामने देख सकते हैं कुछ भी दिख नहीं रहा, और ये इतने सारे लोग आ रहे हैं एक एक पर्यटन सब आ रहे हैं। दोस्तों देख सकते हैं भी क्लियर हो रहा है, ये नज़ारे में देखिए अभी इन लोग का फोटोशूट चल रहा है, और अभी बनता भी है क्योंकि इतना दूर आए हो तो फोटो तो कुछ लेना चाहिए, लेकिन बैकग्राउंड में कुछ दिखेगा नहीं, फॉग ही फॉग है। पचारे किसी कहलु नहीं आम बढ़िया अभी देख सकते हैं क्राउड बढ़ गया है यहाँ, क्राउड के साथ व्हीकल्स भी बढ़ गए हैं अभी, तो जितने भी लोग घूमने के लिए आए हैं तो यहाँ पे रुकते ही हैं। इन लोग का और एक चाय आ गया है, यहाँ पे लोग ट्रैकिंग के लिए भी आते हैं, तो थोड़े आगे जाने के बाद एक अंदरवन करके जगह है, वो अंदरवन ट्रैक भी रहता है, तो जंगल के अंदर से चल के जाना पड़ता है उसके लिए। अभी हम लोग तामिनी घाट के व्यू पॉइंट क्रॉस करके आ चुके हैं, और देख सकते हैं रास्ते में पूरा फॉग ही फॉग है, गाड़ी चलाने में बहुत ही डिफ़िकल्टी आता है, तो गाड़ी स्लो और लाइट ऑन करके चलाना पड़ता है,
और यहाँ पे देख सकते हैं सभी लोग भी स्लो चला रहे हैं और मोस्टली यहाँ पे एक्सपीरियंस लोग आते हैं जो ड्राइवर लेके आते हैं। और देख सकते हैं पूरा फॉग जमा हुआ है। आगे एक 3 किलोमीटर के बाद एक वाटरफॉल है, हम लोग वहाँ पे ही जाने का प्लान है। वो तामनी घाट वाटरफॉल ही उसको बोलते हैं, जस्ट गरुड़ माची से पहले ही वो वाटरफॉल है। दोस्तों ये रास्ते में देख सकते हैं हम लोग थोड़ा रुक गए हैं अभी गाड़ी से, एक वाटरफॉल है साइड में, तो चलिए चलते हैं। दोस्तों अभी हम लोग कार पार करके हाईवे रोड से थोड़ा अंदर आना पड़ रहा है, तो एक वाटरफॉल की तरह चल रहे हैं। देख सकते हैं अभी थोड़ा ही वॉकिंग डिस्टेंस पे है, तो चलते हैं अंदर, दिखाता हूँ आपको नज़ारा फिर। हम लोग एक वाटरफॉल पे पहुँच चुके हैं। दोस्तों मैं एक वाटरफॉल के पास पहुंच चुका हूं, देख सकते हैं ये तामिनी घाट क्रॉस करने के 2 किलोमीटर के बाद आता है। तो चलिए ये देख सकते हैं ब्यूटीफुल सा वाटरफॉल और लोग यहां पे भीग भी रहे हैं, तो चलिए गाइस। दोस्तों ये लोग वाटरफॉल आए हैं रेनकोट पहन के, मतलब भीगना भी चाहते हैं, गीला होना नहीं चाहते। और ये नीचे देख सकते हो इतना लोग क्राउड भरा रखा है, और ये देख सकते हो बच्चे कर रहे हैं यहाँ पर, और यहाँ पे मजे कर रहे हैं लोग, एकदम ब्यूटीफुल सा व्यू है। चलिए दोस्तों इतना अच्छा सा व्यू से देख सकते हैं जाने का मन नहीं कर रहा है, अभी भी जाना पड़ेगा। चलिए गाइस अभी निकलते हैं हम लोग, तो ब्यूटीफुल सा व्यू से छोड़ के निकलते हैं। दोस्तों ये वाटरफॉल से अभी ये जंगल रास्ते से फिर से रिटर्न करना पड़ेगा, जस्ट 300 से 500 मीटर दूर है रोड से, तामनी घाट के रोड से। ये देखिए लड़कियां नहा चुकी है एकदम से पानी में, और ये इसको सेफ गार्ड के लिए रखे हुए थे, देखिए दो दो घड़ी पहने हुए है, सभी मोबाइल इसके पास ही है, सिक्योरिटी पर्पज के लिए इसको रखे थे हम लोग। चलिए दोस्तों अभी वाटरफॉल हम लोग घूम चुके हैं, अभी निकलते हैं यहाँ से। अभी कार हम लोग ड्रेस चेंज कर चुके हैं कार में ही आके, और अभी सभी 5 लोग वे निकल रहे हैं। सामने वो है वाटरफॉल, अभी दूर है जाने के लिए और भी 2 घंटा लगेगा। तेलुगु वाले डबिंग में लगे
दोस्तों शाम को पहुंचते पहुंचते लेट हो चुका है। हम लोग अभी हिंजीवाड़ी में एक रेस्टोरेंट में हैं, तो भूख लगा हुआ है, बहुत सारी चीज़ें मंगवाएंगे अभी। पहले देखते जाइए क्या क्या मंगवाते हैं। अभी हम लोग जबरदस्त ठंडी से आए हैं, तो सूप बनता ही है, तो चिकन मंचाओ सूप अच्छा है यहाँ का। और ये है चिकन क्रिस्पी नूडल्स। ये है चिकन करी और तंदूरी रोटी। सब ब्लॉग यहीं पे ख़त्म होता है, चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट ब्लॉग पे। टिल देन कीप ट्रैवलिंग, कीप एंजॉयिंग।